माय चैनल सिंपल क्रिएटिविटी पाइलिमा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि लास्ट वाला वीडियो देख के मैं कहाँ पे आई हूँ। जी हाँ, मैं गोवा आई हूँ एंड हम लोग स्टे करेंगे नॉर्थ गोवा में। तो आज मैं आप लोगों के साथ होटल रूम टूर शेयर करने वाली हूँ एंड ये है रिसेप्शन एरिया। तो जल्दी से मैं सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेती हूँ एंड उसके बाद जाके आपको रूम टूर शेयर करती हूँ। तो ये वाला जो होटल है, एक्चुअली हम लोग मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक किए थे एंड होटल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ताकि आप में से कोई अगर गोवा आ रहे हैं, नॉर्थ गोवा में स्टे करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। एंड ये वाला जो होटल रूम का प्राइस था वो भी मतलब बहुत बजट में था, इतना भी ज़्यादा हाई नहीं था। एंड यहाँ पे जितने भी सारे स्कूटी वगैरह खड़ा हुआ है, ये सारे रेंट में देने के लिए खड़ा हुआ है, आप होटल से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जाके हम लोग रूम के तरफ जाएंगे। बहुत ग्रीनरी है एंड काफ़ी खूबसूरत होटल है। फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग एंट्री लिए थे एंड एंट्री लेने के जस्ट राइट हैंड साइड में आपको लगेज रखने के लिए एक टेबल दिया जा रहा है एंड काफ़ी बड़ा सा रूम है ये। जहाँ से हम लोग एंटर किए थे उसी के सामने ही एक बड़ा सा बालकनी दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे कि मतलब पानी वगैरह गर्म कर सकते हैं एंड एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी दिया हुआ है एंड उसी के साइड में दो चेयर रखा हुआ है एंड छोटा सा टीपॉय जैसा रखा हुआ है जहाँ पर कि बैठ के आप लोग डिनर वगैरह या फिर लंच कुछ भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए एक वार्डरोब दिया गया है एंड नॉर्मली जैसे होटल में रहता है उसी टाइप का यहाँ पे एक लॉकर भी है। सबसे इसका जो मतलब खास बात मुझे लगा, बहुत स्पेसियस है रूम एंड बहुत बड़ा सा है। जिस बजट में ये लोग रूम प्रोवाइड कर रहे हैं उसी हिसाब से बहुत बड़ा साइज का है। यहाँ पे एक आयरन टेबल भी दिया जाता है, आयरन भी दिया जाता है एंड बड़ा बड़ा साइज का एक दो ड्रायर भी है। तो वार्डरोब से जस्ट आगे निकलते ही टीवी लगा हुआ है एंड उसके साइड में वॉशरूम है एंड यहाँ पे देखिए किंग साइज का बेड मिल जाएगा। तो आगे जाके हम लोगों को और एक भी बालकनी मिल जा रहा है जो कि बहुत अच्छा बात है एंड काफ़ी पसंद आया। मैं यहाँ से भी आप लोगों को दिखा दूँगी वहाँ का बालकनी दिखता है। तो यहाँ पे देखिए स्विमिंग पूल भी यहाँ से दिखता है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था एंड इधर से वो वाला जो बालकनी था पूरी तरह से विजिबल हो रहा था। तो फ्रेंड्स, और एक बात, बेड के जस्ट सामने ही वॉशरूम था एंड वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था।